आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हो गई है और उसका अनावरण अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करने जा रहे हैं। ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी और क्या कुछ खासियत है इस प्रतिमा की और इस प्रतिमा से क्या कुछ राजनीतिक मायने निकाले जाए, क्या ये 2019 के चुनाव प्रचार का एक पूरी शुरुआत भर है, क्या पटेल की विरासत को बीजेपी में शामिल करने की इसे कोशिश के तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है उस पहलू को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अपने लिए एक आइकॉन, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और गर्व करने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर मिला है। 182 मीटर ये ऊंची मूर्ति है देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की और एक तय समय के अंदर अंदर इस मूर्ति को तैयार किया गया है। देश को एकता के सूत्र में परोने वाले लोह पुरुष की मूर्ति बनकर तैयार है। इस मूर्ति को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे। कैसी है सरदार साहब की अनोखी विशाल प्रतिमा और क्यों है ये प्रतिमा दुनिया की दूसरी बड़ी प्रतिमाओं से अलग, ये रिपोर्ट देखिए। 550 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय करके अखंड भारत का सपना सच करने वाले सरदार पटेल की 597 फीट ऊंची मूर्ति बनकर तैयार है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो सरदार सरोवर के पास पहुंचने पर दूर से ही दिखाई देने लगती है। 2990 करोड़ की लागत से बनी इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। मूर्ति को साकार रूप देने में 2500 से ज्यादा मजदूर लगे हैं जिनमें चीन के भी मजदूर शामिल हैं। जिस तरह से सरदार पटेल ने पूरे देश में घूम घूम कर अपने रणनीतिक और कूटनीतिक फैसले से 550 से ज्यादा रियासतों में बटे हुए हिंदुस्तान को अखंडता के सूत्र में पिरोया, उसी तरह से सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए देश के किसानों और कामगारों के इस्तेमाल किए हुए लोहे का इस्तेमाल करके इस मूर्ति को बनाया गया है। 169,000 लोहे के औजारों को जमा किया गया और लोहे को पिघलाकर मूर्ति बनाने में इस्तेमाल किया गया। 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की इस स्टैच्यू को बनाने के लिए 4 धातुओं का इस्तेमाल किया गया। मूर्ति को बनाने में 24,500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ जिसमें 5,700 मीट्रिक टन यानी करीब 57,00,000 किलोग्राम स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मीट्रिक टन छड़ शामिल है। प्रतिमा के निर्माण पर 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा दावा किया गया कि इसमें हजारों साल तक जंग नहीं लगेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी मजबूत है कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला तूफान भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतनी विराट प्रतिमा को करीब 7 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। केवड़िया कॉलोनी सरदार सरोवर बांध के सामने बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के अंग भी अपने आप में एक बहुत विराट है। आपको यहां से मूर्ति दिखाना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो होठ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के वो करीब 6 फीट बड़े है और 7 मंजिला जितनी इमारत ऊंची होती है उतना तो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का ये चेहरा है। हाथों की बात की जाए तो 70 फीट जितने लंबे हाथ है और उसके ठीक नीचे जो पैरों की ऊंचाई है यानी कमर से जो पैर है नीचे के वो ऊंचाई जो है वो 85 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आर्किटेक्ट पद्मश्री राम सुतार और उनके बेटे ने मिलकर तैयार किया है। दावा किया गया है कि प्रतिमा को 7 हिस्सों में तैयार किया गया है। इसके बाद उसे गुजरात लाकर स्थापित किया गया। इस मूर्ति को 182 फीट ऊंची बनाने के पीछे भी एक संदेश है। दरअसल मोदी ने जब ये सपना देखा था तब वो गुजरात के सीएम थे और गुजरात में 182 विधानसभा सीट है, लिहाजा मूर्ति को मानकों के आधार पर 182 फीट की ऊंचाई तय की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर क्यों रखी गई है, इसके पीछे की कहानी ये है कि गुजरात की विधानसभा सीटें 182 है। दरअसल इस मूर्ति को बनाने का सपना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने देखा था और 2013 में इस मूर्ति को बनाने की पहली नींव रखी गई थी। इस मूर्ति की एक और विशेषता है कि आसपास का जो नज़ारा है वो आपको सरदार साहब की जो मूर्ति है उसके दिल से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर 2 बड़ी बड़ी लिफ्ट लगाई जाएगी और लोग ये अद्भुत नज़ारा जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गार्डन है और उसके ठीक पीछे सरदार सरोवर बांध जो गुजरात की लाइफलाइन कहते हैं वो है, वो आपको दिखाई देगा और गार्डन वैली के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा सरदार साहब का और साथ ही में यहाँ पर भारत भवन का निर्माण होगा यानी सभी राज्यों के एक एक भवन होंगे यहाँ पर। ये जो सपना है वो साकार हो चुका है और
31 अक्टूबर को ये मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को समर्पित करेंगे। केवड़िया कॉलोनी से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? सिर्फ आजादी के नायकों को नमन करना है, सम्मान करना है, या इसका सियासी मतलब भी है? समझना यह भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिलाष खांडेकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, महेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, आप इतिहासकार हैं। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की क्या कुछ खासियत है और आज के कार्यक्रम में क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें कि किस तरह से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है ये बन जाएगी। इससे पहले चीन में थी बुद्धा की सबसे ऊंची प्रतिमा, आपको बता दें कि 182 मीटर ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की गुजरात में जो बन रही है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। 153 मीटर कि इससे पहले सबसे ऊंची मूर्ति थी स्प्रिंग टेंपल बुद्ध जो चीन में बनी थी साल 2008 में। 116 मीटर की लेक्योन सेटक्वार म्यांमार में बुद्धा की सबसे ऊंची मूर्ति है, और अगर हम बात करें इसके अलहदा 110 मीटर की अशाको दाबुत्सु जापान में ये सबसे ऊंची प्रतिमा है, और सेंदाई डिकेनन जापान में ये सबसे ऊंची प्रतिमा है 100 मीटर की। यानी कि दुनिया की टॉप 5 प्रतिमाओं की बात करें उसमें इन तमाम प्रतिमाओं का नाम आता है, लेकिन अब सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी सरदार पटेल की। और आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जैगुआर विमान जो है वो नीचे उड़ान भरेंगे सरदार पटेल को और इस कार्यक्रम को सम्मान देने के लिए। साथ ही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक शिवलिंग जो है वो भी बनाया गया है, वहां पर वो जलाभिषेक करेंगे। इसके अलहदा जो जानकारियां हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक वहां पर 250 जो टेंट के माध्यम से एक पूरी की पूरी बस्ती बसाई गई है वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जाएंगे। बिल्कुल, तो कार्यक्रम काफी बड़ा है, बेहद खास दिन है आज का, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है। लेकिन जो सवाल लगातार उठ रहे हैं उन पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, ये आरोप लगातार बीजेपी लगाती रही कि सरदार पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था उनके योगदान का वो संभवतः नहीं मिल पाया, आज जिस तरीके की पहल बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है, आप स्वागत करते हैं? देखिए, सरदार साहब देश और दुनिया के सबसे सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उनको आज से नहीं शुरू से नमन कर रहा है। नेहरू जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, सरदार पटेल हों और आपका भगत सिंह जी हूँ, ये सब एक समानांतर रेखाओं की तरीके से थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सब एक अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इन सब चीजों में दरार देख करके अपने प्रतीकों को अपहरण करना चाह रही है वो अनुचित है। सरदार साहब को सम्मान जितना ज्यादा मिलेगा हम उसका सम्मान करेंगे। सरदार साहब के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सरदार साहब को सम्मान शुरू से मैं दे रहे हैं हम लोग, आपकी पार्टी नहीं दे पाई। सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं जी पिनाज, सरदार पटेल जी का आज ये अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? आज नमन करिए पिनाज, अगर पहला बजट 1760 लगेगा आपका नमन करते हुए अपनी बात आज 21 लाख करोड़ रुपए का है बजट, तो निश्चित तौर पर 21 लाख करोड़ में से 3000 करोड़ लेकिन 1760 करोड़ में से 3,03,000 करोड़ का बजट करिए आज जा सकता था। एक और ऐतिहासिक को समझना पड़ेगा। और रही बात ये महेश दुनिया को परेशान मत होइए, की सारी बातों का जवाब दूंगा। 2 मिनट में ये बहस का मॉड्यूल है तो मुझे बता दीजिए, मैं महेश जी के बीच में बोलूंगा। सुरेंद्र जी मुझे बता दीजिए, अगर हम देखें अपने आसपास नजर दौड़ाकर, आपको जितनी बड़ी संख्या में गांधी परिवार के नाम पर उनके योगदान पर यहाँ सवालिया निशान कतई नहीं है, उनका सम्मान है देश की राजनीति में, देश में, लेकिन जितने योजनाएं, जितने भवन उनके नाम पर मिलते हैं, सरदार पटेल के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या फिर भगत सिंह जिनका जिक्र किया, उनको तो भूल ही जाइए, उनके नाम पर कुछ नहीं मिलेगा आपको उस तादाद में, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, गांधी सर ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। निश्चित तौर पर इस बात का एक बड़ा स्पष्ट जवाब है। मैं जवाब देना चाह रहा हूं, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम देखिए, सामयिक बातों का सामयिक जवाब होना चाहिए। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, अगर 74 कोई सम्मान हिंदुस्तान में दिए जा रहे हैं और उसमें से 11 सम्मान सरदार पटेल के नाम पर हैं, तो उसमें जो कमी है और बढ़ा ले वर्तमान सरकार, 11 सम्मान दिए जा रहे हैं। दिल्ली में पटेल चौक, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध, ये मोदी जी तो नहीं लेके आए ना,
सरदार सरोवर बांध का नाम किसने दिया? सुरेंद्र राजपूत, पटेल आपने उपलब्धि के नाम पर तीन चीजें गिनाई। पटेल चौक, आरोप लगता है कि गांधी परिवार के नाम पर इस देश में 600 योजनाएं चल रही हैं। जितनी चीजें हैं और उसके बाद भी हम एक बात और, एक रेशो में बात होती है, जब संख्या बल की बात होती है तो पटेल कहीं पीछे छूट जाते हैं। परिवार के नाम पर 600 योजनाएं, आरोप लगता है सुरेंद्र राजपूत आपकी पार्टी पर। स्वागत करिए महेश वर्मा जी, आप बताइए जरा, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के साथी आपके, क्या आपको एक बड़े नेता की दरकार है और वो आप बार बार, कभी पटेल के बहाने से, कभी सुभाष चंद्र बोस के बहाने से, आप बार बार उसे हत्याने की कोशिश करते हैं और ये भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो एक सम्मान मिला है भारत को, और भारत को एकीकरण करने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही, ऐसे महामानव को आज उनके जन्मदिन पर उनको नमन करते हुए मैं यही कहूँगा कि आज जिस तरह से कांग्रेस ने आज एक और ऐतिहासिक भूल करी है, और वो ये कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे सुरेंद्र प्रकाश जी ने ये बात कह के कि हम जो है एक अनुचित लाभ उठा रहे हैं। अरे सुनिए सुरेंद्र जी, आज जो है भारत जो है एक आठवां अजूबा दिया है, वो भी सरदार पटेल के रूप में। अनुचित लाभ नहीं उठा रहे हैं क्या? क्या अनुचित लाभ है? राजनीतिक लाभ नहीं उठा रहे हैं? अपने देश के ऐसे महामानव के बारे में जो विश्व को जानकारी मिलेगी, आठवां अजूबा ताजमहल के बाद इस देश में अगर कोई आठवां अजूबा दिया है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और वो है सरदार पटेल के रूप में। महेश वर्मा जी, बनारस से मिर्जापुर से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है पटेलों को ले जाती हुई, जो पहुंच रही है आज के इस कार्यक्रम में, और नजर है उत्तर प्रदेश के 12% उस वोट बैंक पर जो खुद को पटेल से जोड़ती है। सुनिए, राजनीतिक लाभ नहीं उठा रहे हैं क्या आप? हमारे अनुप्रिया पटेल हरी झंडी दिखा रही हैं उस ट्रेन को। साहब, प्रधानमंत्री ने जो ये सपना देखा, ये आज के लिए नहीं देखा था, ये 2 महीने पहले कंप्लीट हुआ है। और ये सपना, और जिस तरह से 2 करोड़ लोगों का पेटिशन है, ये भूल जाते हैं। ये वही राहुल गांधी, ये लोग क्या बात करेंगे, मेड इन चाइना इसको बोला था कि मेड इन चाइना स्टैचू ला रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों बीच में ले आए? आप राजनीतिक रूप से राजनीतिक करेंगे मिर्जापुर की स्पेशल ट्रेन को 12% उत्तर प्रदेश की वोट बैंक आज सरदार पटेल। महेश वर्मा जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। 3000 करोड़ रुपए जिस देश में लोग आज भी खाने के लिए मजबूर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, क्या पटेल के सम्मान के लिए 3000 करोड़ रुपए जरूरी थे? पटेल को सम्मान किसी और तरीके से नहीं दिया जा सकता था? 300 करोड़ में वो बात नहीं बनती? आप ये सोचिए कि पटेल से कमतर, सुनिए, पटेल से कमतर, सुनिए मैडम पूरी बात तो सुन लीजिए आप, मैडम पूरी बात सुनिए। पटेल का आज जो सम्मान मिला है, आप जो 3000 करोड़ की बात कर रही हैं, ये पीपीटी मॉडल पे, और सबके कंट्रीब्यूशन से देश का भी एक एक किसान, नौजवान, हर आदमी ने इसको कंट्रीब्यूट करके बनाया है। लेकिन आप सोचिए किसान के विरोध की बात जो हो रही है, वो सिर्फ ये कह देने से कि किसान विरोध कर रहा, ये निहायत गलत है। 5 लाख किसानों ने अपने घरों से लोहा कंट्रीब्यूट करके आज की डेट में आपकी सरकार में चुके तैयार किया, एक बात। दूसरी बात कि आठवां अजूबा मिला है पटेल की दुनिया को, ये आठवां अजूबा जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके ऊपर हमें रस होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और उसको राजनीति से जोड़ना, उसको लेकर पहचान मिलेगी, एक नया के मोदी जी के नाम एक दर्ज हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्त उन्होंने तैयार की थी। अरे साहब, ये मूरत की बात आप कर रही हैं, ये मूरत है। पटेल को जानने के लिए समझने, पटेल अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, नेहरू से जिन्होंने त्याग दिया, जिन्होंने देश को यूनिटी के लिए आज सरदार के ऊपर आज सरदार पटेल के ऊपर किसको दर्द नहीं होगा? आप दो आदमियों को मिलाने की, आप सुनिए, दो पक्षों को मिलाने की समझने की कोशिश करते हैं, सरदार पटेल को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, थोड़ा आप समझाइए, सरदार पटेल का जब जिक्र होता है तो फिर रियासतों के विलय की बात सबसे पहले होती है। 1947 या कहिए 46 और 48 तक किस तरीके का वो दौर था, और क्या वाकई बहुत बड़ी चुनौती थी 500 से ज्यादा रियासतों का विलय कर पाना? सबसे पहले तो आज के दिन 31 अक्टूबर को मैं देश के उस महान सपूत को नमन करता हूं जिनका आज जन्म हुआ था। और दूसरी बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहां थे वो गणना कर रहे थे गणित के अंकों में, और सरदार पटेल के व्यक्तित्व की
का मूल्यांकन अगर करना हो तो गणित के अंकों में गणना नहीं की जा सकती है कि इतने पैसे खर्च हुए, ये हुआ वो हुआ। हमें तो गर्व है कि इतिहास का वह पन्ना, अमूल्य पन्ना, जो सन 47 के बाद इतिहास के पुस्तकों में कहीं खो सा गया था, आज वह पन्ना इतिहास में पुनः दर्ज हो गया है। सर वो पन्ना क्या था? सरदार पटेल की वह विरासत, यही समझना चाह रहा सरदार पटेल का वह योगदान, रियासतों का विलय कितना चुनौती भरा था आजाद भारत के निर्माण में, उसको उसको कभी इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन इतिहास में आजादी के बाद जो सरकारें क्रमशः आईं, उन्होंने अपने कार्यकाल में इतिहास के पन्नों में इतिहास के इन महान सपूतों का नाम, आपको लगता है कि प्रोफेसर तिवारी, आपको लगता है कि सरदार पटेल का इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान में और आगे हिंदुस्तान को एकजुट रखने में जो योगदान है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों ने उसे कमतर करके आंका और आज ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर मोदी सरकार उनका वो सम्मान एक बार फिर वापस दे रही है? मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि सरदार पटेल का इतिहास ही इतिहास के पन्नों में जो इतिहास होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए, जो योगदान था उनका, वो इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं हुआ। आज इतिहास में उस महापुरुष के वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी भी हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अभिलाष जी, तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ नई पीढ़ी के लिए कि सरदार पटेल के वो कौन से तीन बड़े योगदान हैं जिनको आप संक्षिप्त में नई पीढ़ी को बता सकते हैं, ताकि ये आज पता लगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है और वो इतिहास का जो पन्ना दबा रह गया जी, वो क्या उसको था? क्या था? तो आप तीन कोई महत्वपूर्ण बता सकते हैं क्या? सबसे पहली बात तो इतिहास में ये बताना है कि सरदार पटेल ने एक बात कही कि राष्ट्र मजबूत तब होगा जब राष्ट्र संगठित होगा, और संगठित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने 550 से ऊपर रियासतों को उन्होंने संगठित किया, यह उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि देश के जो किसान हैं वो देश की कर्णधार हैं, देश के किसान देश के विकास में देश को बहुत बड़ा योगदान देते हैं, और तीसरी बात ये कि देश का जो युवा है वो देश को आगे ले जाने में उसकी जो भूमिका है वो अपनी भूमिका को पहचाने और अपनी भूमिका को उसका सार्थक प्रयोग करे अपने देश को आगे ले जाने में, कांग्रेस और अपने आजादी के उस आंदोलन के दौर में यहाँ से अब आगे की राह पटेल और मोदी और कांग्रेस के लिए कैसे होने वाली है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पटेल थे, न सिर्फ गुजरात के पटेल थे, लेकिन पूरे देश को उनके ऊपर काफी अभिमान होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं साथ में ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको याद हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े कार्यकर्ता थे एकनाथ जी रानड़े जी, उन्होंने विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में बनाया, और वो किस तरीके से बनाया था उस समय जब सारे देश में कांग्रेस की सरकारें थी, हर जगह मुख्यमंत्री वहाँ कांग्रेस के थे, उनके पास जा जाकर उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बताकर एक राष्ट्रीय मेमोरियल या राष्ट्रीय स्मृति खड़ी करने में जो उनका योगदान है उसको यदि आज मैं सरदार पटेल की इस मूर्ति के अनावरण के समय पर यदि उन दोनों के बीच में कुछ तुलना करना चाहूँगा तो वो राष्ट्रभक्ति से ऊपर होकर सारे पार्टीज को साथ में लेके एकनाथ जी रानड़े ने एक विवेकानंद जी के लिए बहुत बड़ा काम किया। दूसरी बात यह है कि क्या आज हमारे देश में सरदार पटेल के बराबरी के दूसरे नेताओं को हम याद नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, या मैं कहता हूँ कि महात्मा गांधी जो गुजरात के थे उनका भी इतना बड़ा स्टैचू नहीं बना, तो निश्चित रूप से ये स्टैचू बनाने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा दिखती है।